शोभ यज्ञी फितन कहंदा तौबा तौबा इकबाल कहंदा उत्थे जिहड़े फितने सोचे जांदे ओह लिखण च नहीं आ सकदे लेकिन यक जहां शोभ यज्ञी फितन इकबाल कहंदा उत्थे जिहड़े फितने सोचे जांदे ना पूरी दुनिया नूं तै उबाला और सारे जहान नूं फितने च मुबतला कर दे उत्थे जिहड़े फितने सोचे जा पहले उजाड़ दे फिर शाम दे बच्चियां ते बच्चियां नूं पनाह देंदे पहले उजाड़ देने उन्होंने घर भाई पहले जो अपने घर बैठे सन रोटी खा रहे सन उत्थे बम तुसी क्यों मारे ये फरंगी है ये फरंगी है फरियाद या फरंग दिलावेजी या फरंग फरियाद से शीरीनी ओ परवेजी या फरंग आलम हमा वीराना चंगेजी या फरंग मैं मारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज अज खाबे करा खाबे करा खाबे करा खाबे करा खेज इकबाल तो रोंद रोंद गया अजे तक कौम 72 साल बाद भी नहीं उठी इकबाल नूं निसाब विचों कढ दित्ता वई ते गैरत दीआं गल्लां करदा इह ते शर्म दीआं गल्लां करदा इह ते शाहीना दीआं गल्लां करदा इह ते कव्वे दी गल ही कोई नहीं करदा हाँ जी इह ते इस्लाम दी गल करदा हस दीने मुस्तफा दीने हयात कहंदा अगर जिंदा रहना चाहना तो वो दीने मुस्तफा है हाँ वो शामी जोड़ा उसको जनाब बच्ची को मुझे इन्होंने वीडियो दिखाई मैंने देखा वो डॉक्टर बड़े हंस हंस के कह रहा अच्छा 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 वो बच्ची इंग्लिश बोलती है उसके माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती फिर वो उस इंग्लिश में बात करता है वो बच्ची अपने माँ बाप से बात करती है करते करते कहता है हमने तुम्हें पनाह दे दी फिर सवाल जरा सुने वो क्या करता है यानी वो फरंगी इस्लाम को चोट न लगाए और इस्लाम के को अपना वो हदफ तनकीद न बनाए ये हो नहीं सकता वो कहता है अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अब हमने तो आपको पनाह दे दी आप शाम रहना पसंद करेंगी या अमरीका में रहना पसंद करेंगी उसने कहा नहीं नहीं हम अमरीका रहना पसंद करें अब उसने बदला क्या लिया हजरत फारूक आजम के जमाने में जब मदायन फतह हो गया ना और मुसलमानों ने वहां टैक्स ले लिया साहबा ने और ईसाई रियाया बन के रहने लगे उधर जंगे कादसिया में बड़ा मसला बन गया तो हजरत उमर ने फरमाया कि मदायन खाली कर दो सारी फौजें यहां से निकल कर कादसिया चली जाएं अब जब मदायन हो गया खाली और साहबा ने ले लिया था उनसे जिजिया तो जब साहबा जाने लगे ना वहां से तो साहबा ने उनका सारा वो टैक्स उनको जब वापस किया ना तो ईसाई रियाया खड़ी हो गई ऐसे दामन फैलाकर उन्हें कहो उनकी ईसाई फौजें दाखिल हो रही थी मदायन में और मुसलमान फौज वहां से निकल रही थी तो ईसाई अपने इस तरह दामन लेकर खड़े थे उन्हें कहा या अल्लाह उन्हें हम मजहब दाखिल हो रहे सन और मुसलमान निकल रहे थे तो ईसाई दुआ क्या मांग रहे थे या अल्लाह एना फरिश्तियां नु फिर वापस ले आवे अब